ओ भैया माइक सेट करना पड़ता है क्योंकि इसकी आवाज जो है ना बड़ी तेज है और मेरी काफी कम आती कभी कभी हेलो हेलो आई डोंट केयर ओके गाइस एंड वेलकम टू इंडियन कपल पॉडकास्ट पॉडकास्ट द इंडियन कपल इसे कभी नाम ना, कपल ना लिया जाएगा पॉडकास्ट हाँ तो अभी है? अभी हमारी बोरिंग जिंदगी में एक नई चीज आई है ओ भैया और उस चीज ने हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है उसकी वजह से मैं कल से लिपस्टिक लगाऊंगा चलो दारू पीछे चलते हैं और टल्ली हो जाते हैं

मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई एक हो तो वो है हिंदी ट्रांसलेशन <laughs> और जिस बंदे ने वो ट्रांसलेशन किया वो तो है खूब उम्दा इंसान हाँ। क्योंकि वो बे बेसिक हिंदी है ना तुम जा रहे हो? आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत छोड़, आप और उस समय मैं तुम्हारे लिए बस में एक सीट रखूंगा और <laughs> क्योंकि तुम मेरे लिए आइसक्रीम लाई हो मैं तुम्हें अपनी दीदी नहीं बुला सकता पूरी बस में सारी लड़कियां मेरी दीदी है तुम्हारे अलावा समझ रही हो ना प्रैक्टिस हो गई हमने के शुरू किया है और वो जो हमारा पहला है मैं इसको जबरदस्ती अपने साथ बिठा बिठा के दिखाती हूँ मैं कहती हूँ कुछ सीख मैं यही सीख <laughs> रहा हूँ चलो शराब पीने चलते हैं सावन <laughs> चल रहे हैं तो बेसिकली वहाँ पे वो जो लड़की है ना किंग द लैंड है नेम ऑफ द सीरियल दैट वे वाचिंग के पॉप के सीरियल के ड्रामा जो भी बोलते हैं इसको ठीक है तो उसमें ना वो जो नाइनटीज एटीज वाला प्यार था ना ठीक है

<laughs> चप्पल खा रही है या मार रही है खा नहीं मार रही है हाँ रील्स की दुनिया से बाहर ही कुछ रियलिटी भी बताओ लोगों को रियलिटी क्या है यार रियलिटी यही है कि लड़का और लड़की का जो प्यार है देख के मतलब मन भर जाता है और पता क्या होता है मतलब हमारे ड्रामाज में क्या होता है ना एक एक चीज को लंबा लंबा करते हैं नफरत को इतनी हद तक पहुंचा देते हैं वहां पे ऐसा कुछ नहीं है वहां पे देर इज अ वेरी पर्टिकुलर स्टोरी

आगे दिखाते ही कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं कोई कुछ नहीं बस वो चलता जा रहा है कोई वैम्प नहीं कोई कुछ नहीं कोई तीसरी लड़की तो ऐसी लोग एक बात बता है ना एक बात अच्छा एक बता हम हमारा जब शुरू शुरू में हुआ था तेरा लवी डवी वाला फेस था कौन सा था वो बता वो था एक बार याद है याद है जब हम घूमने जब गए हम... थे <laughs> वो तो घूमने तो बड़ी बात नहीं एक बार याद है हम क्या? सारे फ्रेंड्स के घर में बैठे थे ठीक हाँ, है। और उन्होंने मुझे बिना बताए तब तू पे लाइन ही मारता हाँ, हाँ, हाँ। मुझे बारिश होने वाली थी और बाहर गार्डन में तेरे को और मेरे को आ गया था और मैं थोड़ी गई थी क्यूँ ही बुला लिया इसको चलो छोपी भैया कुकर की सीटी बंद करने गई थी तो फिर क्या हुआ था

जब वाला टाइम हाँ, ये बता जब तु फील था कि, ओके, loved, you, मैं अगर तुमसे <laughs> तुम से से तुम पूछना चाहता हूँ हमारा ये सब हुआ हम लोग ऑफिस में मिले बहुत सारे लोग हमें देखते थे तो फिर ऑफिस में कॉन्फ्लिक्स हुए कि तेरा और मेरा रिलेशनशिप हो गया तो कुछ लोगों को दिक्कत हुई उसकी वजह से हम दोनों के बीच में भी वो हुआ

जैसे तू जैसे मैं खड़ी हूँ ठीक है और जब मैं सुबह उठ जाती हूँ जल्दी मैं कुछ कुछ कर रही होती हूँ तू अंदर से निकल के आता है ओ ये वो बबलू शब्लू वाला तो है। बनाते हैं हाँ। अच्छा, क्या बोलते दुवारे बोल, दुवारे बोल, हाँ। <laughs> क्या बोलते ओ <laughs> नंदन कुछ भी ये मेरे अलग अलग वर्ड्स क्या वो क्या होता है वो प्यार है अच्छा वो कहीं अच्छा ओ थैंक यू कहीं तूने उसको वो समझ लिया कि भाई तू तो, तो सुबह-सुबह मुझे गंदी-गंदे वर्ड्स से बोलता है ये तो बड़ी आ, बड़ी बोरिंग चीज है यार लाइफ में अच्छा फिर मैं ये कह रही हूं मेरी बात समझ कि अब जैसे शादी के बाद तूने वो चीजें चेंज कर दी है वो चेंज होगी ना वो वाली फीलिंग तो अब कुछ नई चीजें आ गई हैं ठीक है नए आ गए तो मैं हाँ। को याद कर रही हूँ हाँ, हाँ, हाँ। तो कल से मैंने सुबह सुबह उठना है पहले मैं <laughs> कलर की मैंने पड़े। पड़े। लगानी है दिन में देख रहे हो ये याद करना तो सुबह से पहले मुझे लिपस्टिक लगानी मुझे बाहर आना है फिर तू खड़े होके वैसे रोमांटिकली तू चाकू से आलू काट रही है और मैंने देखो आके बोलना क्या तुम ठीक हो <laughs> फिर, उसके फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैंने वॉशरूम जाना है फिर मैंने वॉशरूम जाना है और आंखों सुबह आके बोलता नहीं की तूने रुकना मुंह भी नहीं धोया तू काम करना शुरू हो गई मुझे कैसे पता लगता हो फिर मैं गया वॉशरूम फिर वापस आया

वो बात अलग है, बट आज मैं जब ड्रामा देखते देखते थोड़ी तेरे ऊपर ऐसे गिरना चाहती थी, ऐसे लेट के देखना चाहती तो तूने मुझे कितने मुक्के मारे और पीछे किया क्योंकि तुझे लगा मुझे की हमें अपने आईफोन का पता है नया आईफोन लेते हो आप तो आपको उससे एक्साइटमेंट होती है क्योंकि आप उसके फीचर्स नहीं पता होते

फिर अचानक से दिखाते हैं कि सब उसे छोड़कर बारिश बारिश हो गई है जैसे पिघल जाएंगे सब मोम की पुतलियाँ पिघल जाएंगी वो सारे सारे अपने घर चले गए लड़की को अकेला छोड़ के और लड़की से पूछा तुम कैसे जाओगी वो कहती मैं बस पकड़ लूँगी सुनसान रोड दिखा रहे हैं कोई नहीं दिखा रहे और कह रहे मैं बस पकड़ लूँगी फिर उसके बाद वो खड़ी है अचानक से लड़का छतरी ले आ रहा है और वो रोमांटिक और ये ऐसे बह रही है कह रही है कि तुम ऐसे क्यों नहीं करते जाके खड़ी तो हो कभी का अकेली तू अगली बार बारिश होगी तू बाहर जाके खड़ी हो जाइए कहीं पर मुझे टैक्स कर दियो अपनी लोकेशन कि मैं यहाँ खड़ी हूँ तुमने पंद्रह मिनट में आना है पहले मैं भीगूँगी दिल्ली में कनाट प्लेस ठीक है और तू आएगा घर पंद्रह मिनट के बाद मैं तेरे पीछे से आऊँगा <laughs> बिना गाली दिए बेटे ये जो प्यार होते हैं ना टीवी वाले इनको देख के अपना घर नहीं खराब कर लेना होता यार मैं दिन में बीस बार याद दिला दिया वो वाला प्यार देखो कितना अच्छा होता आप तुम नहीं करते जो बंदा कर रहा होता ना उस वो भी छोड़ देगा करना हो क्या यार इसको तो फायदा है नहीं है कोई वो सारी चीजें मैं अप्रीशिएट करती हूँ कब कैसे अच्छा ये बताओ What did you do to appreciate what I do for you? I am happy with you. क्या होता है अप्रिसिएशन

<laughs> और मैं उस वाले प्यार को मिस कर कर रही हूं, तो कैसे हो सकता है इसने मुझे 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 बोला मैं अब तो मैंने कहा तू तो तू अपनी सारी मेमोरी ले नो इट्स टाइम फॉर मी टू चेक माय फोन कब तूने बता, हुँ, बता हुँ, मुझे हुँ. कि घंटा बैठा रहता मेरे साथ ठीक है 2 घंटे बैठे बैठता हूं बताइए आप सु, जो सुन रहे हैं ना ठीक है अगर आपकी शादी जैन आपकी शादी नहीं हुई तो आपको पता ही नहीं क्या बात हो रही ठीक है अगर आपकी शादी हो गई है और एक बीवी अपने पति को बोल रही है 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 कि जो तू घंटा मेरे साथ बैठता है। आगे कंटिन्यू मतलब रीले देखता है बैठ के, तो उस भी हुँ. मुझे हुँ. और वो अच्छा लगता नहीं है। मिलता तुझे मैं क्या बोल रही हूं?

वो वाली फीलिंग जो मिसिंग है वो मुझे याद दिलाई है के ड्रामा ने और मुझे लग रहा है कि हाउ कैन वी रिक्रिएट दैट स्टॉप वॉचिंग इट कम्प्लीटली कमाली कहानी देखते थे हम पहले उससे बुरा असर पड़ता था लोगों पे या yeah. <laughs> ये रोमांटिक कमाली का है <laughs> दे यार पानी दे ये जिंदगी तेरी तो मतलब अब मैं के ड्रामा नहीं देखूंगा ये मतलब। तेरी जिंदगी में घोल कर रहे हैं जो कभी भरा ना जाएगा अब। क्या मुझे मेरा वो वाला प्यार नहीं मिलेगा एक बार आईफोन खरीद लिया अब जब तक नया वर्जन नहीं खरीदोगे वो फीलिंग दोबारा नहीं आएगी थोड़े दिन कवर चला के घूमोगे साफ सुथरा रखोगे उसके तो बाद कवर चेंज कर देते हैं उसके लिए मतलब फोन बदल दो नहीं, कवर नहीं, क्यों बदल हो बाद वो गंदा जाता है साल लगाए इतना गंदा है सुनना उसके बाद उसमें क्रैक पड़ जाता है मैं ये कह रही कि क्या तू वो नहीं कर सकता उसके बाद ये हो जाता है उसका हाल भाई दिस इज रियलिटी ये इसका पुराना फोन है तोड़ देता और फिर मुझे दे देता। है। देखो बार गिराती है ये अच्छा, है ये ये फ़ोन। मैं तो मेरा पॉइंट कि वो वाले प्यार का एहसास चाहती हूँ तुमसे मैं उसके लिए तुम तो मुझे ये कह रहे हो कि ड्रामा छोड़ना भेज दे तू दो दिन एक्टिंग नहीं कर सकता तू अपने दो दिन बेबी नहीं कर सकता सो कैन यू बेबी हम बस यही कॉन्वर्जेशन आपके साथ करने के लिए बैठे थे ज़्यादा कोई एजेंडा था नहीं आज का हमें समझ नहीं आ रही थी पॉडकास्ट क्या करना चाहिए आज जो घर में हुआ जिस बारे में बात हुई कर दी और अगर आपको अच्छी लगी हो यह, ये टाइम तो पास भी भी इसका आंसर तो है नहीं ठीक है आंसर तो है नहीं आपके पास है आप बता दो चलो लेट्स लीव इट टू एक बात मैं तुझसे बस इतना मांग रही हूँ मैं ड्रामा देखना बंद कर दूंगी तू चाहती घर में ड्रामा हो सो गाइज़ आई वॉन्ट ऑन अ सीरियस नोट ये तो सब मजाक था बट दिस इज़ रमन दिस इज़ नीति एंड दिस इज द इंडियन कपल पॉडकास्ट एंड वट आई वॉन्ट यू टू डू इज़ दैट यू राइट अगर आप यू यूट्यूब पर देख रहे हो तो राइट इन कॉमेंट्स और बाकी जगहों पर भी ऑडियो में सुन रहे हो तो कहीं कई जगहों पर ऑप्शन है कॉमेंट्स छोड़ने की नहीं तो आप हमारे इंस्टाग्राम नीति एंड रमन पर आके डी एम करके मुझे बता सकते हो कि वट इज़ द बेस्ट शेड ऑफ़ लिपस्टिक दैट दैट विल सूट मी और पिंक हमारी ऑप्शन हैं <laughs>

<laughs> और हमारे घर में किस तरह की बातें चल रही हैं और मैं आज सैटरडे की शाम के साढ़े सात बजे मैं इससे बस ये चाहती हूँ कि कल रात तक कि मुझे बेबी बेबी करे तो और मुझे एहसास दिलाए कि अभी तक हमारी न, मतलब मैं आप क्या ही बोलूँ इट कैन बी इफ यू इफ यू हिप्नोटाइज योर माइंड देन यू कैन नाउ अब ये ना मेरे साथ तो बहुत पे होगा केस। है? तुम अपने कर चुकी नहीं, नहीं <laughs> कौन से, कौन से ले है और अगर हम ये ड्रामा करेंगे तो इसपे रील्स बनाएंगे आपको दिखाएंगे अगर कर पाए तो मेरे तो है नहीं हिम्मत मैं थक चुका हूँ मैं तेरे को जैसे लिपस्टिक निकालू लगाऊंगी ना तेरे अंदर का जो वो है ना के बाहर आ जाएगा के नहीं गे बाहर आ जाएगा अ वी सपोर्ट एलजीबीटीक्यू वी सपोर्ट ठीक है तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट मिलते हैं अगले वाले में थैंक यू बाय फॉलो रमन ऑन इंस्टाग्राम बाय बाय गाइस यार कर ले यार एक बार तो क्या कर लूं मतलब थोड़ा अगर तो अपने आप को हिप्नोटाइज ही कर ले और ये सोच ले कि तू कभी मुझे जानता ही नहीं है और कौन है ये, लड़की? ये? कौन है ये सीन लड़की तो तू मुझे इससे बोलेगा एक्सक्यूज मी व्हाटस योर नेम अच्छा और आप आपको क्या क्या पसंद है वुड यू लाइक टू गो ऑन अ कॉफी डेट विद मी इसमें ही दो दिन निकल जाएंगे बट तुम यू डोंट वॉन्ट टू डू